बेइज्जती मेरी पहली बार कर लू, ये किसी ने की है, पहली बार इतनी बेइज्जती। मैंने कहा हाँ जी अंकल बोल रहा हूँ। मैंने बताया नहीं कि मैं वही बोल रहा हूँ, लड़का ही बोल रहा हूँ, फिर अच्छा नहीं लगता ना थोड़ा बात करना। मैंने बोला जी मैं लड़के का भाई बोल रहा हूँ। तो बोला अच्छा ठीक है, और पहचान गया। लेकिन उसने ये बात सुनी नहीं, इग्नोर कर दिया। तो फिर मुझे लगा चलो वो ऐसे ही बात करने लगा जैसे मैं अभिनय हूँ। मैंने कहा हाँ जी बिटिया क्या करती है, ऐसे पूछा। तो वो बोला कि इंटीरियर डिजाइनर है। मैंने कहा अच्छा घर डिजाइन करती है। बोले घर नहीं ऑफिस फैक्ट्री सब करती है। मैंने कहा अच्छा अंकल, बहुत बोला था मतलब बेटा। फिर बोला अपने बारे में, मैं एडवोकेट हूँ, कानपुर से कॉल था। मैं समझ गया ठीक है होगा। फिर बोला कितना कमा लेते हो महीने में, वो सबसे पहला सवाल वही होता। तो मैंने कहा अंकल मैं कुछ नहीं। मैंने कहा अब अरे मैंने बोला, मैंने कहा अंकल 60-70 लाख रुपए महीने कमा लेता हूँ। मैंने बोला, बोला कम नहीं बता रहे हो, करोड़ बता देते। अब इसको एग्रीमेंट भेजूं मैं अपना कितना कमाता हूँ। फिर बोला कि बड़े गुस्से में बोला, बोला कि जो है, अरे मैंने कहा अंकल कैसी बातें कर रहे हो, कमा लेता हूँ, ये मैं कम बता रहा हूँ जो मेरी लिखित सैलरी है, बाकी मेरे अर्निंग के सोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं और भी काफ़ी सारे हैं कि मैं बीच बीच में कहीं किसी ऐप पे बैच ले लिया तो मेरी काफ़ी अर्निंग है ये वो। बोला सीधे बोला, बोला आईटीआर कितने की भरते हो। मैंने कहा अंकल इस बार 4 की भरी है, लेकिन पिछले साल उतनी इनकम नहीं रही थी क्योंकि मैं पहले जीएसटी डिपार्टमेंट में था। तो बोला जीएसटी में कहाँ से हो गए तुम एक साल पहले, जीएसटी तो अभी बना है। मैंने कहा इसकी ऐसी तैसी बुद्धि की, गुस्सा तो मुझे। मैंने कहा भाई, मैंने कहा पहले जो एक्साइज था वही बाद में जीएसटी हो गया, तो अब हम ये नहीं बोलेंगे कि हम एक्साइज में थे, यही बोलना पड़ता है जीएसटी में थे भाई, क्योंकि आई कार्ड पे तो हमारी एक्साइज ही लिखा है लेकिन जीएसटी बोलना पड़ता है। कोई बात नहीं, अब इसको आई कार्ड की फोटो तो भेजो नहीं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने फिर समझा, तब भी वो तो अपना उल्टा चल ही रहा था, बहुत उल्टा चल रहा था ऐसे नहीं। और उसकी बेटी मुझसे 2 साल बड़ी। मैंने कहा इसीलिए इसकी शादी हो नहीं रही बुड्ढे की। लास्ट में तो मैंने बोला उसको, पूरा तो सुनो, पूरा सुनो, अभी तो आप सुनो कि आपको खुशी मिलेगी कि आदमी हमारी झंड करता इसकी कितनी हुई। मैंने बोला अंकल हाँ 3-4 CR की मैंने आईटीआर भरी, लेकिन पिछले साल कम कमाई थी, इस साल ज्यादा भरूंगा। बोला इस साल तो तुम 8,40,00,000 की भरोगे। तब सीधा उसने हिसाब लगा दे, 12×7=84। मैंने कहा अंकल जितना आदमी कमाता है उतनी आईटीआर थोड़ी भरता है, उस पर 18% तो जीएसटी चला जाता है। बोला हमें सिखा रहे हो ऐसे करके। मैंने कहा अंकल ऐसा आप गूगल करके देख लो, यूट्यूब पे आपको पता लग जाएगा मैं क्या करता हूँ। बोले तुम डोनाल्ड ट्रंप को, तुम्हें गूगल करो भाई। मुझे इतनी गुस्सा आई यार, इतनी गुस्सा आई मुझे, मुझसे बोला तुम डोनाल्ड ट्रंप हो, तुम्हें गूगल देख लो। मैंने कहा यार ये आदमी है क्या है। मैंने कहा अंकल ऐसा है तुम शादी नहीं कर पाओ कभी। बोला मैंने तो कर ली, और वही मेरी बेटी है। मुझे फोन पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे फोन कट करना पड़ा, और मेरी क्लास भी थी, अगर क्लास नहीं होती तो मैं बुड्ढे को बाद में धुलता। बहुत इतना गजब इंसिडेंस हुआ भाई साहब। मैंने कहा ऐसा तुमने ज्यादा बकालत सीख ली है। मैंने थोड़ा बहुत ही बोला, मैं क्या बोलता भाई, जो आदमी अब तो आप किसी को दामाद एक्सपेक्ट कर रहे हो, इस तरीके से उसकी झंड कर रहे हो यार, कल को शादी हो जाएगी मतलब यार आप तो घर में नहीं घुसने दोगे यार। आदमी को कहोगे कि बाहर बेटा लड़का आया चल निकल जा, क्या करेंगे घर में, अंदर आएगा 2 कप चाय बिगाड़े चल जा, ये हाल कर दोगे आप तो, ऐसे थोड़ी होता है यार। मेरा पेशेंस लेवल चेक कर रहा था। अरे तो मैं उसको सारी डिटेल्स इसे ही बता रहा था, वो झंडे को क्या, मैंने गूगल यूट्यूब को क्या गलत बोल दिया कि भाई चेक कर लो मैं क्या काम करता हूँ, पता लग जाएगा आपको क्या कंपनी क्या नहीं। तो कह रहा तुम डोनाल्ड ट्रंप हो, गूगल ट्रैक कर लो, बताओ पता नहीं।